दोस्तों, अंडा पहले आया या मुर्गी? ये वही पुरानी पहेली है जिसने उम्रों में बहुत से दलाइल को जन्म दिया है। क्या ये मुर्गी थी या अंडा जो पहले आया था? ये इतना मुश्किल सवाल है कि आपको अंडे देने के लिए एक मुर्गी की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियां अंडों से आती हैं, जिससे हमें एक पेचीदा परिंदों वाली जिंदगी का एक पेचीदा दायरा छोड़ जाता है, जिसके बजाहिर कोई वाज़ह नुक्ता आगाज नहीं होता। शुक्र है हमेशा के लिए इस पर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये एक पहेली है, इसे हम साइंस की आवाज़ों के साथ साथ खोल सकते हैं, खास तौर पर इत्तेकाई हयातियात के उसूल। आइए क्रैकिंग करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंडा पहले आया, इसकी वजह यह है कि अंडे मुर्गियों से पहले वजूद में आए थे। सबसे पहले अंडे वो हैं जो डायनासोर ने दिए थे। डायनासोर मुर्गियों के अबाव अजदाद हैं। मुर्गियों के अब तक के सबसे कदीम अजदाद में से एक आर्कियोपटरेक्स था, जो तकरीबन 150 मिलियन साल पहले रहता था। आर्कियोपटरेक्स अब मौजूदा मुर्गियों जैसा नजर नहीं आता, लेकिन उसमें अंडे देने की सलाहियत थी। मुर्गियों ने तकरीबन 50 मिलियन साल पहले वजूद में आना शुरू किया। मुर्गियों के अजदाद वो डायनासोर थे जो आर्कियोपटरेक्स से मिलते जुलते थे। उन डायनासोर में अंडे देने की सलाहियत थी और वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे और आखिरकार वो मुर्गियों में तब्दील हो गए। लिहाजा जवाब ये है कि अंडा पहले आया। अंडे मुर्गियों से पहले वजूद में आए थे और मुर्गियों ने तकरीबन 50 साल पहले वजूद में आना शुरू किया।